देश की राजधानी दिल्ली में अब एक बार फिर मुगल गार्डन का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन आम जनता के लिए कल से यानी कि 13 फरवरी से खुलने जा रहा है। दर्शक 21 मार्च तक इस गार्डन में देशी से लेकर विदेशी तक के फूलों का दीदार कर सकते हैं। बता दें कि हर बार की तरह सोमवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आ सकेंगे, लेकिन इस बार दर्शकों को मुगल गार्डन में आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। पिछले सालों की भांति राष्ट्रपति भवन के गेट पर टिकट काउंटर नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद मुगल गार्डन आम दर्शकों के लिए खुल जाएगा। दर्शकों को मुगल गार्डन में आने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दर्शक पानी की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, कैमरा, रेडियो या ट्रांजिस्टर, डिब्बे, छाता, खाद्य सामग्री आदि नहीं ला सकते। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में जनता के लिए निर्धारित किए गए मार्ग में विभिन्न स्थानों पर दर्शकों को हैंड सैनिटाइजर, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुगल गार्डन के अलावा आम लोग भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का दौरा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्शक चेंज ऑफ गार्ड समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। दर्शक राष्ट्रपति सचिवालय .gov.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मुगल गार्डन की सैर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया जा सकता है। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। एक मोबाइल नंबर से केवल ही रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट rb.nic.in पर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको दाईं ओर टॉप लाइन में प्लान और विजिट टैब दिखाई देगा। यहां क्लिक करने पर आपके सामने कैलेंडर खुलेगा और दाईं ओर बुक नाउ के 4 विंडो दिखाई देगी। इसमें तीसरी विंडो मुगल गार्डन विजिट की है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको अपनी फोटो और पहचान पत्र भी दिखाना होगा। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक एक घंटे के साथ अग्रिम बुकिंग स्लॉट उपलब्ध होंगे। आगंतुकों को अंतिम प्रवेश शाम 4 बजे तक ही मिलेगा। प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 100 लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है। इस दौरान आगंतुकों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार पर आगंतुकों को थर्मल स्क्रीनिंग से होकर गुजरना होगा। सर्दी, जुखाम, बुखार आदि होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। दर्शकों को राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से ही आने जाने की व्यवस्था होगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते इस बार दर्शकों को ऑनलाइन टिकट लेनी होगी और टिकट राष्ट्रपति सचिवालय के वेबसाइट पर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।